ये आज धरना हो रहा है जिसमें हम लोग प्रेरणा ऐप के विरोध में और हमारी 12 सूत्रीय मांग हैं हमारे नगर शिक्षा अधिकारी महोदय के माध्यम से हम मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचाना चाह रहे हैं अपनी ये मांगे कि आप हमारे विद्यालयों में जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं पहले उनकी पूर्ति कीजिए, फिर आप नए नए एक्सपेरिमेंट शुरू करिए, क्योंकि आप रोज़ नए एक फरमान जारी कर देते हैं लेकिन विद्यालय की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, विद्यालय में विद्युत कनेक्शन नहीं है। आप देख रहे हैं कि 5-5 विद्यालयों का कनेक्शन कटा हुआ है, आप लोग भी ये समस्या डेली उठा रहे हैं, और वहाँ बिल भरने के लिए नहीं है इसलिए बच्चे गर्मी में बैठे हैं, कनेक्शन कटा हुआ है इस पर ध्यान नहीं है, विद्यालय चल रहे हैं, शौचालय ही नहीं है विद्यालय में, 6 घंटे बच्चों को हम कैसे रोकें? और बच्चे नहीं हैं तो आपको 3 बार सेल्फी भेजें, उस सेल्फी में जब बच्चे नहीं होंगे तो आप नाराज़ होंगे। आपने ये देखा नहीं कि एक बात बताइए, 6 घंटे तक बच्चा क्या बैठ सकता है बिना पानी या बिना टॉयलेट जाए हुए? वो भी आपको देखना पड़ेगा। कितने विद्यालय जहाँ बाउंड्री नहीं है, बाउंड्री नहीं देखते हैं, हमारे एकल विद्यालय हैं जहाँ एक शिक्षक 5 कक्षाएँ, इवन जूनियर भी ऐसे हैं जहाँ एक एक शिक्षक हैं, 3 कक्षाएँ होती हैं, 6, 7, 8, वहाँ पर कम से कम एक कक्षा कक्ष में एक शिक्षक हो, इतनी व्यवस्था तो आप करके दें। प्रमोशन के नाम पे 00 रहता है सब कुछ, शिक्षकों को इंचार्ज बना दिया जाता है, वेतन कोई आप एक असिस्टेंट का देते हैं और इंचार्ज का बना करके एक तमगा लगा करके आप हमसे सारे काम कराते हैं। स्कूल में ना कोई क्लर्क होता है, ना कोई 4th क्लास कर्मचारी होता है, विद्यालय में झाड़ू लगाने वाला व्यक्ति नहीं है। अब शिक्षक को आप ये बताइए कि कितने हाथ हैं हमारे, सुबह समय से पहुँच भी जाए, बच्चों के लिए मध्यान्ह भोजन भी बनवाए, भोजन में कोई कमी हो गई टीचर ही सस्पेंड होगा, सफाई में कोई कमी हो गई तो टीचर ही सस्पेंड होगा, दूध नहीं मिल पाया भाई, एक दिन हफ्ते में एक ही दिन किसी की भैंस ज़्यादा दूध थोड़ी दे देगी, आपने बुधवार का दिन फिक्स कर दिया कि दूध ढूंढ करके ले आओ। अरे परेशान होते हैं हम लोग, इन्हीं कामों में उलझे रहे हैं, कभी आलू में, कभी टमाटर में, कभी प्याज में उलझे पड़े हैं हम लोग, पढ़ाएं कब? पढ़ाने के लिए आप समय देते नहीं है, गुणवत्ता धीरे धीरे खराब होती जा रही है, समझ ही नहीं आ रहा क्या ये आपका स्वार्थ है इसमें कि बच्चे पढ़ ना पाएं और अंधे होकर के आपके आदेशों के अनुसार आपको वोट देते रहें, या फिर उनका आपको भविष्य बनाना है। आप ऐप लागू ना करिए, आप वो काम करिए जिससे हम जैसे शिक्षक यहाँ योग्यता के आधार पर आए हैं, कोई भीख में हमें ये नौकरी नहीं मिली है, तो आप हमें पढ़ाने तो दीजिए। प्राइवेट विद्यालयों से तुलना करते हैं आप लोग, वहाँ पे आप सुख सुविधाएं देखिए, भौतिक सुविधाएं देखिए, और यहाँ पर बिजली तक नहीं है, कमरों में जगह नहीं है, वेंटिलेशन नहीं है, हैंडपंप की अगर शिकायत कर रहे हैं तो एक विभाग दूसरे विभाग में कागज़ भेजता है केवल, कभी समाधान करके नहीं देता है, कहाँ से पानी मुहैया कराएं बच्चों को? तो ये आप हमारी सुविधाएं पूरी कराइए। आप मांगे पूरी नहीं होती, आगे के लिए क्या रणनीति? देखिए प्रेरणा ऐप के लिए हम पर दबाव डाला जा रहा है, सीधी सी बात है, आप हमारी अगर जरूरतें नहीं पूरी कर सकते, हम आपके आदेशों का पालन करने में असमर्थ रहेंगे। ये हमारा 1 सूत्रीय बात है, ये हमारी 12 सूत्रीय मांग है जो आज हम दे रहे हैं नगर शिक्षा अधिकारी महोदय का, हम इंतजार कर रहे हैं यहाँ पे, कुछ ही देर में वो आएंगे, हम उनके माध्यम से ज्ञापन अपना भेजना चाहते हैं मुख्यमंत्री महोदय तक।